मुरादाबाद में मंडलायुक्त आंजनी कुमार सिंह ने गांव, गली, मोहल्ले और हाट बाजार में खाद्य दुकानों की जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील को हरी झंडी दिखाया। मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है, जिसका काम जगह जगह खाद्य पदार्थों की जांच कर सैंपल लेना एवं लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। गर्मी में मिलावटी भोजन करने के दुष्परिणाम के तौर पर आए दिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। विषाक्त भोजन बेचने वालों पर प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही की रणनीति तैयार की है, जिसके तहत मुरादाबाद मंडल को एक फूड सेफ्टी ऑन व्हील नाम की वैन का संचालन शुरू कराया गया है। यह वैन पांचों जिलों में जाकर जगह जगह सैंपल लेगी और लोगों को जागरूक करेगी। इस वैन में अत्याधुनिक जांच उपकरण लगाए गए हैं, जो किसी भी स्थल से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच करने में सक्षम है, जिससे मौके पर ही मिलावटखोर लोगों की धरपकड़ की जा सके। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सप्ताह के अनुसार प्रमुख बाजारों में फूड सेफ्टी वैन को संचालित करने की कार्य योजना तैयार की है, जो बाजार व कस्बे में खाद्य सुरक्षा के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाती रहेगी। मंडलायुक्त आंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस वैन के जरिए गांव, गली, मोहल्ले, हाट बाजार, प्रमुख चौराहों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच और उनसे सैंपल लिए जाने में आसानी होगी, जिससे मिलावटखोर पर प्रभावी नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जन जागरूकता में खास मदद मिलने वाली है। ये एक वाहन दो तीन उद्देश्यों को लेकर आज हम रवाना कर रहे हैं। एक तो ये कंज्यूमर्स में जागरूकता पैदा करेगा, साथ ही तुरंत वो जहाँ पे भी दुकान पे खाद्य पदार्थ होंगे और उन खाद्य पदार्थों में अगर मिलावट की कोई भी आशंका होती है तो तत्काल यहाँ पे प्राइमरी टेस्ट किए जा सकते हैं वहीं पर, और मिलावट का पता लगाया जा सकता है। तो इससे न सिर्फ उपभोक्ता जागरूक होंगे बल्कि जो बेचने वाले दुकानदार हैं, दुकानदार भी जागरूक होंगे। कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार भी कहीं ना कहीं से माल लेके आता है और उसको पता नहीं चलता, तो एक तरीके से उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, उपभोक्ता के लिए फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो ख़तरनाक अवयव हैं, जो शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, उससे बचाव भी कर सकेंगे। बेसिकली ये सबको जागरूक करने के लिए और इस तरीके की चीज़ों से लोगों को बचाने के। सर, उपभोक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, उपभोक्ताओं से सिर्फ इतना कि आप जब भी शरीर का स्वास्थ्य सबसे इम्पॉर्टेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर जोर देते रहे, चाहे वो संचारी रोग अभियान हो, चाहे लोगों को जो दूषित पानी है इन सब चीज़ों से बचाने, साफ़ सफाई इत्यादि सब चीज़ों पर लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि स्थितियाँ बेहतर हों। इसी तरह से खाद्य पदार्थ हैं, सोच समझ के इस्तेमाल करें, हर जगह का खाद्य पदार्थ न इस्तेमाल करें और साफ़ सफाई देख लें जगह पर। और यही चीज़ जो बेचने वाले हैं उनसे भी कहेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी जगह के लिए, और मानव संसाधन अगर महत्वपूर्ण है तो उसका स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। स्वास्थ्य पे जागरूक रहें, बाकी सारी चीज़ों पर भी जागरूक रहें, और अगर कहीं आपको लगता है कि कोई गड़बड़ हो रही है तो उसकी सूचना सही जगह पर दें, तुरंत कार्रवाई हम करने के लिए तत्पर रहें।